दोस्तों, मैं रईस अहमद सैफी। आज इस वीडियो को बनाते हुए भी मुझे हंसी आ रही है कि जो लोग फिल्म पठान का विरोध कर रहे थे, जो इसके पीछे बुरी तरह से पड़े हुए थे कि फिल्म पठान का विरोध करना ही करना है, अब उनका क्या होगा? अब वो इस फिल्म का विरोध कैसे करेंगे? दोस्तों, छोटा सा वीडियो है, इसको पूरा ज़रूर देखिए, इसको अंत तक सुनिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो फिल्म पठान का विरोध कर रहे थे। वो इसलिए कर रहे थे कि उसमें जो दीपिका पादुकोण ने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए थे, उसकी वजह से उसका विरोध कर रहे थे कि इससे हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत होती है, ठेस पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, इसका आज ट्रेलर आया। ट्रेलर देखने के बाद फिल्म में पता चलता है कि इसमें तो जैसा नाम था, टाइटल था पठान, इस तरह का इसमें कोई भी धार्मिक एंगल नजर नहीं आ रहा, बल्कि शाहरुख खान ने इस फिल्म के अंदर इंडियन सोल्जर यानी कि एक फौजी की भूमिका निभाई है। अब दोस्तों, ये अंधभक्त इस फिल्म का बायकॉट कैसे करेंगे, मेरी तो समझ के परे है। अब भी एक इंडियन सोल्जर का बायकॉट करोगे क्या आप? अरे भैया, आपका दिमाग कहाँ चला जाता है, समझ में नहीं आता। हर चीज को आप तो बायकॉट करने पर लगे हो। लेकिन मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि ये फिल्म पिछले 5-6 साल के अंदर सबसे बेहतरीन फिल्म होने वाली है और इस फिल्म को हिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, मैं आपको शाहरुख खान की एक चीज़ और भी बताऊं, मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था, लेकिन फिर दोबारा से बताता हूं कि शाहरुख खान जो दिल्ली में अंजलि नाम की युवती की अभी 31 दिसंबर को हत्या हो गई थी, उसके परिवार को शाहरुख खान के मीर फाउंडेशन ने डोनेट किया था, डोनेशन दिया था। लेकिन जितने भी जो भी दल हैं, कोई भी दल, कोई भी सेना सामने नहीं आई जो कि अंजलि के परिवार की मदद करती। खैर दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि मैं बताना चाह रहा था कि फिल्म पठान में है क्या। अब इसका विरोध ये करें तो करें कैसे? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई खबर में, एक नई रिपोर्ट के साथ।